चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप की खबरें आए दिन आती रहती है। मऊ सदर के बसपा प्रत्याशी मनोज राय ने बाहुबली नेता और विधायक मुख्तार अंसारी पर धमकी देने का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है। बसपा प्रत्याशी ने सदर सीट के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर साजिश के तहत ऐसा करने का आरोप लगाया है। वहीं इस धमकी की खबर के बाद जिसके बाद जिले की राजनीति काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गई है। बसपा प्रत्याशी मनोज राय ने नगर कोतवाली क्षेत्र के मुंशीपुरा स्थित अपने कार्यालय पर गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि उनके घर पर दो युवक आए थे, जिसमें से एक युवक ने अपना नाम सोनू बताकर पत्नी के इलाज के लिए रुपए की मांग की, लेकिन बसपा नेता ने रुपए नहीं देकर उसकी पत्नी का इलाज करवाने की बात कही। कई बार धमकी मिलने से बसपा नेता दहशत में आकर एसपी से गुहार लगाई उन्होंने और नगर कोतवाली में केस दर्ज कराया। आरोप में बसपा नेता ने मुख्तार के गुर्गों द्वारा अपने समर्थकों को प्रचार प्रसार में हिंसा नहीं लेने की बात भी कही गई है। बसपा प्रत्याशी के राजनीतिक प्रोफाइल पर गौर करें तो मनोज राय सदर विधानसभा क्षेत्र के सहरोज गांव के निवासी हैं। एमए की शिक्षा ग्रहण कर उनकी राजनीतिक सफर मजबूत पारिवारिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी रही है। मनोज राय के चाचा राजनाथ राय 24 वर्ष तक ब्लॉक प्रमुख रहे और पूर्व केंद्रीय मंत्री व जिले के विकास पुरुष कल्पनाथ राय के सहयोगी के रूप में राजनीतिक सफर तय किया। मनोज राय साल 1994 में छात्र संघ महामंत्री और साल 2001 में ब्लॉक प्रमुख कोपागंज निर्वाचित हुए। साल 2002 में उन्होंने घोसी विधानसभा चुनाव से चुनाव लड़ा मगर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। साल 2010 में वह जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुए और भाई को प्रमुख बनाया, तो वहीं साल 2015 में दोबारा से जिला पंचायत के सदस्य बने। इस साल विधानसभा चुनाव में वह सपा के टिकट पर सदर सीट से मैदान में हैं। मनोज राय डेढ़ दर्जन शिक्षण संस्थानों के प्रबंधक भी हैं। इस सीट पर विजय प्राप्त करने के लिए मनोज राय कड़ी मेहनत और जनता के बीच घुल मिल रहे हैं, इसलिए विरोधियों की नज़र मनोज राय की लोकप्रियता पर टिकी हुई है।